सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरस्वती नगर के बच्चों के द्वारा आज जगाधरी कुष्ठ आश्रम और बाल भवन यमुनानगर में भ्रमण किया और वहां पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। बच्चों के द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़े व खाने पीने के सामान को इकट्ठा किया गया और उसे जिला बाल कल्याण अधिकारी मनीषा खन्ना के पास पहुँच कर सुपुर्द किया ताकि यह सामान उन बच्चों के काम आ सके। स्कूल के बच्चों ने बाल भवन में अधिकारियों के साथ स्लम क्षेत्र में जाकर जरूरतमंद बच्चों को खाने पीने का सामान और कपड़े वितरित किए, जिसको लेकर बच्चे बहुत खुश हुए। जिला बाल कल्याण अधिकारी मनीषा खन्ना ने बताया कि भगवान गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा था कि हमेशा दूसरों की सेवा करो। बच्चे यहाँ पर सामान लेकर पहुँचे, क्या सामान है, किस बच्चों को वितरित किया है? सरस्वती स्कूल जो है उन्होंने कोशिश की है बच्चों से इकट्ठा कराने के लिए कि बच्चों में एक भावना आए बांट के। जैसे कल गुरुपुरब भी था और हम ये मानते हैं कि गुरु नानक जी ने ये कहा था कि बांट छको। हमने भी इनको ये बोला कि जो भी चीज़ें आप अपनी कलेक्शंस करो, जो आपको नहीं इस्तेमाल करनी आप दूसरे को दो, वो बच्चा इस्तेमाल कर सके। इससे जो एक भावना मतलब गिफ्ट देने की एक भावना जो पैदा होती है वो देने से ही होती है। हम जितना मर्जी लेक्चर देते हैं, आप बच्चों ने खुद अपने कपड़े, किसी ने कपड़े, किसी ने शूज, किसी ने ईटेबल, जो जो उनके घर पे सामान था उनको लगा कि ये मैं नहीं पर मेरा एक साथी यूज कर सकता है, तो वो ये लेके आए हैं। बहुत अच्छी एक शुरुआत है और हम चाहते हैं कि ऐसे स्कूल्स फॉरवर्ड आए और इस तरह की चीजें लें जो स्लम एरिया है, जो बच्चे नीडी है उनको ये दी जाए, उनको ये भावना दी जाए। और जब बच्चे खुद उनको देंगे तो उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे लिए कलेक्शंस या गिफ्ट्स लेके आए।